हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले इन्फिनिक्स के यूज़र के लिए और इन्फिनिक्स के फैंस के लिए, और जो गाइस जो इन्फिनिक्स के फोन के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं गाइस, उन लोगों के लिए भी फोन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा अलग कर रहा है, बहुत कुछ अलग कर रहा है। इसके स्पेक्स से आपको लगेगा नहीं कि इन्फिनिक्स का फोन ऐसा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल शाओमी या तो फिर रियलमी का फोन हो सकता है गाइस। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ गाइस। अगर चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक नहीं गाइस तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए गाइस। आपका एक लाइक हमें बहुत लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन फील करता है गाइस, प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि ऊपर लिखा है नोट 7 सीरीज एक्सप्लोर द न्यू नोट, तो इन्फिनिक्स का एक नया फोन लॉन्च होने वाला है। इन्फिनिक्स का नोट जो नोट सीरीज थी ना, उसमें नया उनका नया फोन लॉन्च होने वाला है, जो कि जो बहुत दिन से इसकी लीक्स आ रही थी ना, पीछे सर्कुलर कैमरा वो सबके पास जो लीक्स आ रही थी, ये वही फोन है इन्फिनिक्स नोट 7। ये देखने से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्क्रीन से गाइस। जैसे आप देख रहे हैं इसकी बहुत बड़ी स्क्रीन दिख रही है आपको, सामने पंच होल मिल रहा है, पीछे आपको अच्छा सा चार कैमरा मिल रहा है ऐसा आपको दिख रहा है। सबसे पहले स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, आपको मिलेगा 6.95 इंच का एक एच डी प्लस की बहुत लंबी डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बहुत लंबी रहेगा गाइस, जो कि बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर मूवी लवर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा गाइस। और जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.5%, ये बहुत ज़्यादा है गाइस। जो इनका सीरीज था उससे इन्फिनिक्स एस 5 प्रो उससे भी ज़्यादा इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिला गाइस, तो बहुत ज़्यादा मूवी लवर के लिए बहुत अच्छा फोन है गाइस। तो अब इसकी अगली चीज़ की पंच होल कैमरा, तो गाइस पंच होल कैमरा अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ गाइस। और जो अगली चीज़ है वो है इसका प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G70, जो कि इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा अब इस बार अपग्रेड किया, कुछ ज़्यादा इस बार अपग्रेड कर दिया, क्योंकि इन्फिनिक्स से पहले हमेशा मीडियाटेक हीलियो P22 ज़्यादा या तो P35 के ऊपर वो कभी गया ही नहीं। किस हिसाब से जैसा इन्फिनिक्स बार काम कर रहा है G70, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा किलर फोन हो सकता है गाइस, क्योंकि इस बार वो मीडियाटेक हीलियो G70 जो कि रिसेंटली यूज़ होता है रियलमी C3 में, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर, मीडियाटेक हीलियो P70 उससे भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है गाइस, जो कि बहुत अच्छा फोन इस बार हो सकता है इन्फिनिक्स का। और गाइस अगले फोन आ सकते हैं इन्फिनिक्स, हो सकता है उसमें भी ये सेम प्रोसेसर यूज़ करा जाए, मीडियाटेक का हेलियो G70, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और इन्फिनिक्स इसके ऊपर सोचेगा, इससे किसी ने सोचा नहीं होगा, जो कि इन्फिनिक्स ने बहुत ज़्यादा शौक किया पब्लिक उनके ऑडियंस को। तो गाइस अभी चलते हैं उनके बैक कैमरे की तरफ से। उनका जो इस बार बैक कैमरा है वो बहुत ही मैसिव होने वाला है। आपको पीछे की तरफ सर्कुलर टाइप में चार कैमरा मिल रहा है, आपको चार एलईडी क्वाड फ्लैश मिल रहा है, क्वाड कैमरा मिल रहा है, जो कि आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस, बाकी आपको मिल रहा है f.179 का अपर्चर मिल रहा है, कि बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है फ़ोन, और इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मिल रहा है, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और दिखने से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फोन लग रहा है गाइस पीछे की तरफ से। और गाइस आप देख सकते हो आपको कहीं पीछे भी फिंगरप्रिंट आपको नहीं दिख रहा है, और गाइस आपको इसमें मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जो कि साइड माउंटेड जो कि अभी रिसेंटली शाओमी ने दिया है, मतलब पोको ने दिया था, और अभी रियलमी ने दिया, शाओमी ने दिया, इन सब ने दिया, उसके हिसाब से इसने भी इन्फिनिक्स ने भी दिया, क्योंकि बहुत ही यूनिक कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्फिनिक्स ऐसा काम कर रहा है गाइस। और गाइस इसमें आपको बैटरी, इस बार जो बैटरी का बाप मिला आपको गाइस, इतनी बड़ी बैटरी सर मिल रही आपको, 5000 mAh की बड़ी बैटरी तो मिली थी गाइस, ये तो आपको इन्फिनिक्स हॉट एट में मिल रहा था, पर गाइस इसमें एक ट्विस्ट है, इस बार आपको मिल रहा है 18 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि इन्फिनिक्स दे रहा है गाइस। यकीन नहीं हो रहा कि इन्फिनिक्स आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, इन्फिनिक्स 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दे रहा है अपने बॉक्स में खुद, ये बहुत अच्छी बात है। अब गाइस अब इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की बात करते हैं गाइस, तो इसमें आपको 3-4 कलर मिल रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है पूरा फोन ऐसा दिखेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा है। अब गाइस इसकी मेन बात है ये लॉन्च कब होगा गाइस, ये फ़ोन 7 अप्रैल को लॉन्च होने वाला था, जहाँ तक अगर आप गाइस मेरे पहले की वीडियो देखते होगे, जब मैंने बनाया था वीडियो इन्फिनिक्स हॉट 9 के पर, तभी इसमें मैंने बताया कि इन्फिनिक्स का 2 फोन लॉन्च हो सकता है, वो एक फ़ोन ये लॉन्च हो सकता है गाइस, जो कि ये है। इसका लॉन्च जो होगा गाइस वो होगा कुछ अप्रैल एंड में, अब तो पोस्टपोन होगा, क्योंकि गाइस उनका ये लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, इसलिए पोस्टपोन हो गया, नहीं तो ये 7 अप्रैल को लॉन्च हो जाता रहा। और गाइस जो इन्फिनिक्स हॉट 9 है वो भी इसके साथ ही लॉन्च होगा गाइस, 7 मई लॉन्च होगा, हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद लॉन्च हो जाएगा तुरंत, जैसे 15 अप्रैल का तुरंत लॉन्च होगा, ये पहले इन्फिनिक्स ग्लोबली में आएगा फिर बाद में इंडिया में आएगा। तो गाइस इसकी जो प्राइस हो सकती है वो प्राइस तो बहुत ही हटके होगी, इस बार प्राइस तो बहुत हटके हो सकती है, पर अभी तक प्राइस को कंफर्म नहीं हुएगा गाइस। जहाँ तक लीक्स आ रही है कि इसकी जो प्राइस हो सकती है वो अराउंड 10,000 तक की इसकी प्राइस हो सकती है गाइस। और 10,000 में आपको क्या क्या चाहिए, हीलियो G70 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन पीछे मिल रहा है आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है गाइस, तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा भाई फोन मुझे लग रहा है गाइस, ये फोन बस इंतजार कब आता है गाइस, तो इस फोन का इसका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, और गाइस हमारे चैनल बने रहिए, हम ऐसे ही लीक्स और रूमर्स लाते रहेंगे इन्फिनिक्स हॉट 9 से और इन्फिनिक्स नोट 7। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एंड गाइस ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल न्यू डिस्प्ले।